जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। जन्म साखी, 10 गुरुओं की, सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी, गुरु गोविंद सिंह जी की। एक ओंकार सद्गुरु प्रसाद, श्री गुरु गोविंद सिंह जी दशम पातशाह। वह प्रगटियो मरद अगमंडा, वरियम अकेला, वहा वहा गोविंद सिंह आपे गुरु चेला। अवतार पूर्व सुदी सप्तमी विक्रमी को श्री गुरु तेग बहादुर जी के घर माता गुजरी जी की पवित्र कोख से साहिबजादे का पटने शहर में अवतार हुआ। मूर पिता पुरब की सी पयान, भत भत के तीर्थ नान। जब ही जात त्रिबेनी भये, पुण्य दान निन करत बिते। तही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखे भोलयो। गुरु जी को खबर भेजनी। श्री माता नानकी जी ने अपने पुत्र के जन्म की खबर देने के लिए एक विशेष आदमी को चिट्ठी देकर अपने सुपुत्र श्री गुरु तेग बहादुर जी के पास धुबरी शहर भेजा। गुरु जी ने चिट्ठी पढ़कर जब राजा राम सिंह को खुशी भरी खबर सुनाई, तो राजा ने अपने फौजी बाजे बजवाए, तोपों की सलामी दी तथा गरीबों को दान दिया। चिट्ठी लेकर आने वाले सिख को गुरु जी ने बहुत धन दिया तथा खुशी प्रकट की। उसका लोक परलोक सवार दिया। तदुपरांत गुरु जी ने माता जी को चिट्ठी लिखी कि माता जी, इस समय हम कामरूप के पास ध्रुवी शहर पहुंचकर ठहरे हुए हैं। राजा राम सिंह का काम सवार कर हम जल्दी वापस आपके पास पटने आ जाएंगे। गुरु नानक साहिब जी के आपके अंग संग है, आपने चिंता नहीं करनी। साहबजादे का नाम गोविंद राय रखना। धन गुरु नानक। यह आशीष भरी और धैर्यपूर्ण चिट्ठी पढ़कर माता जी तथा अन्य परिवार के सदस्य बड़े प्रसन्न हुए। जो भी कोई भिखारी या और प्रेमी माताजी को बधाई देने घर आता, माताजी उसको धन, वस्त्र और मिठाई देती, दे मिठाई आदि से प्रसन्न करके घर से भेजती। घर आने वाले औरतों के छाए परछाए से साहिबजादे की रक्षा के लिए माताजी अनेक प्रकार के बचाव करते रहते। जैसे कि दर्शन करने आई औरतों को साहिबजादे के दर्शन दूर से ही आप उठाकर करवा देते, किसी अपरिचित आदमी को घर के दरवाजे तक न आने देते, क्योंकि बालक रूप कृष्ण भगवान को कंस की भेजी पुतनी दाई ने अपने स्तनों का विष लगाकर दूध पिलाकर मारने का यत्न किया था। परंतु कृष्ण जी आप परमेश्वर अवतार थे, वह बच गए थे तथा पुतना पापिनी को मार दिया था। इसी तरह श्री गुरु गोविंद, श्री गुरु हर राय, धन गुरु नानक। इसी तरह श्री गुरु हर गोविंद जी को बालक रूप में पखयारन दाई स्त्री ने अपने स्तनों को विष लगाकर तथा घर के एक रसोइये ने दही में जहर मिलाकर मारने का यत्न किया था। परंतु आप जी को गुरु अवतार होने के कारण कोई अनर्थ न पहुंचा। इन बातों को याद करके माता जी किसी को देखने दिखाने के लिए साहिबजादों को नहीं देते थे। धन गुरु नानक। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज।